बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। बोरलाई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, मची अपरा तफरी। अंजर से पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। शनिवार सुबह 8 बजे के दरमियान ग्राम बोरलाई के कोली मोहल्ला निवासी सरसद बाई पति कालूराम के यहां रसोई में काम करते समय सिलेंडर में आग लग गई। आगजनी के बाद घर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं चिल्ला चोट होने पर मोहल्ले में अपरा तफरी का माहौल बन गया। आस पड़ोस में घनी आबादी होने के कारण लोग अपने घरों के बाहर दौड़कर निकल आए। वहीं परिवार के सदस्यों में दहशत फैल गई। इधर आग लगने की सूचना पाते ही अंजनपा से फायर ब्रिगेड बोरलाई पहुंचा और फायर ब्रिगेड के ड्राइवर साहबुद्दीन कुरेशी ने अपनी जान पर खेलकर पहले तो जलते सामान के बीच घर के अंदर जाकर आग पर काबू पाते हुए जलते हुए सिलेंडर और उसके पास रखे एक अन्य भरे हुए सिलेंडर को बाहर किया, जिसके बाद दोनों सिलेंडरों पर पानी डालकर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। मिली जानकारी अनुसार बेवा सरसद बाई अपनी दो बेटियों और एक बेटे के साथ सुबह घर पर मौजूद थी। रसोई घर में गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय अचानक गैस चूल्हे से लगे पाइप में आग पकड़ ली। वहीं आग लगते ही घर में मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए घर के बाहर निकले। वहीं अंजर से पहुंचे फायर ब्रिगेड ड्राइवर बबलू कुरेशी व अन्य उनकी टीम ने आग पर कुशलता से काबू पाया। आपका? मेरा नाम है साहबुद्दीन बबलू, फायर ब्रिगेड ड्राइवर। ये आज बोरलाई में आग लगी है, क्या मामला है? हाँ, ये बोरलाई में आग लग गई थी। 8:30 बजे हमारे पास सूचना मिली कि गैस टंकियों में आग लग गई घर में। हाँ। किचन में कुछ बना रहे थे खाना वाना। हाँ। और उसी में आग लगी तो वैसे ही गए। हाँ। और आग बुझे। किन के यहाँ पे आग लगी? ये सरसद बाई स्वर्गीय पति कालूराम वर्मा कहार था। अच्छा, कहार समाज के आसपास घनी बस्ती भी है, तो कैसा क्या माहौल रहा उस समय यहाँ पे आग बुझाने का? घनी बस्ती थी, लोग इधर के उधर भाग रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं ब्लास्ट हो जाए, ये हो जाए। दो टंकियाँ थी और दो जल रही थी। हाँ। फिर वैसे ही वो हमने वो चलती टंकी को रेगुलेटर बहुत तप हो रही थी उसको, फिर भी वो पानी ऊपर छत पे और इस पर डाल के वो टंकी को बाहर निकाल के और मट्टी वट्टी डाल के और उसको डैमेज करी। घर में और सदस्य मौजूद होंगे उनके? हाँ, दो लड़कियाँ थी, एक जो सरस भाई थी वो थी और एक लड़का था छोटा।